अभी गूगल पे सर्च कर रहे हो हाई ग्राफिक्स गेम फॉर 1GB रैम पीसी या 2GB रैम पीसी और आप गूगल पे सर्च कर करके थक गए हो, फिर भी आपको कुछ ऐसे हाई ग्राफिक्स गेम नहीं मिल पा रहे, बिल्कुल सही वीडियो पे आओ। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हो तो आपको कुछ ऐसे 20 गेम देखने को मिलेंगे जो कि आपके 1GB रैम पीसी या 2GB रैम वाले पीसी लैपटॉप पे आराम से चलेंगे। ऐसे काफी सारे गेम जो है वो ओपन वर्ल्ड है, तो आपको इस वीडियो पे काफी मजा आने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दो एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे कोई भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेल गाइस, जो मेरा फर्स्ट गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है द विचर 2। एंड दोस्तों, विचर 2 की बात करें तो 2011 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। इसको डेवलप एंड पब्लिश किया गया सीडी प्रोजेक्ट रेड के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों, ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की स्टोरीलाइन की बात करें तो स्टार्ट होता है विचर 1 के एक मंथ के बाद। गेरल्ट किंग फोल्टेस्ट का मास्टर विचर बन चुका है। फोल्टेस्ट अपने बच्चों को मेरिया नेक्स्ट हेयर बनाने के लिए मारिया लुएसा बैसल में जंग छेड़ देता है। गेरल्ट किंग की मदद करता है टेमेरियन फोर्सेस को एडवांस करवाने में। आर्यन लावा लेट ने मदर के राइट को बचा रहा था, फाइटिंग टेमेरियन फोर्स से मार दिया। आर्यन के सोल्जर सरेंडर कर देते हैं। लावा लेट को असिस्ट कर रहा है एक ड्रैगन। किंग फाइनली इस वॉर को विन कर जाता है। अपने बच्चों से एक चर्च के टॉप पे मिलता है, पर एक प्रीस्ट जो कि एक बहरूपिया विचर रहता है, क्योंकि किंग फोल्टनेस्ट किल कर देता है। जो यहाँ का जो एल्विन रेवन ग्रुप रहता है बटल्स के साथ यहाँ से फरार हो जाता है। पर गेरल्ट देखता है कि किंग यहाँ पर डेथ पड़ा हुआ है, तो किंग के जो सोल्जर्स आते हैं वो गेरल्ट को देखते हैं कि भैया गेरल्ट किंग को मार दिया है। तो यहाँ पर गेरल्ट को हिरासत पे ले लिया जाता है। मेरिया का स्पेशल फोर्स का कमांडर गेरल्ट से बात करता है, गेरल्ट वो पूरा स्टोरी बताता है। अब यहाँ पर गेरल्ट को रिलीज किया जाता है। ऐसे दोस्तों, फाइनली जो मेन स्टोरी स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड का यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ओपी है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक्स की बात करें तो मेरे 512 MB नीड है। एंड दोस्तों, प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें 25GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है थोड़ा विचर बन लिया जाए, फाइटा वेटी कर लिया जाए, तो कूद फन के जाओ इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। हमारा सेकंड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है मैड आउट टू बिग सिटी ऑनलाइन। मैड आउट टू बिग सिटी की बात करें तो 2017 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया मैड आउट गेम्स के द्वारा। आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है। इस गेम में आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाते हैं। की बात करें तो गेम में आपको काफी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से कि इसमें इस गेम में आपको ऑनलाइन मोड भी देखने को मिल जाता है। अपने फ्रेंड्स से आराम से आप फ्री में इस गेम को खेल सकते हैं, जैसे हम GTA ऑनलाइन में खेलते हैं। काफी बड़ा मैप इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको वेपन्स देखने को मिल जाते हैं। गेम में आपको काफी अच्छा स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाला है। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें दोस्तों, तो आप जैसे कि देख सकते हैं गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का है दोस्तों। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों, प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 1GB के आसपास स्पेस खाली लगना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर इस गेम को प्ले करने का तो क्यों ले रुके हो, कूद फन के जाओ और इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। हमारा थर्ड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन। 2009 का काफी पॉपुलर गेम रह चुका है। डेवलप किया गया रन सॉफ्टवेयर के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया डिविजन के द्वारा। आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। विलेन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो मेन रहता है, जिसका नाम विलियम स्ट्राइकर रहता है, तो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वुल्वरीन, सिंपली आपको विलियम स्ट्राइकर के जितने भी आर्मी रहते हैं वहां पर आपको डिस्ट्रॉय करना रहता है। कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों, यहां पर आपको काफी स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाला है। कंप्लीटिंग मिशन, यहां पर आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशन देखने को मिलने वाले हैं। साथ साथ जो इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी दोस्तों, वो काफी यहां पर रियलिस्टिक देखने को मिल जाता है। गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है, यहाँ पर आपको काफी अच्छा एडवेंचरस फीलिंग होने वाला है। इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें 1GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। फोर्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है फार क्राई 2। एंड दोस्तों, फार क्राई 2 की बात करें 2008 का फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड दोस्तों, ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें, स्टार्ट होता है हमारा एक अननोन अफ्रीकन कंट्री से, जहां पर दो ग्रुप्स, एक EPR UFLL के बीच में लड़ाई चल रही है। जो EPR है दोस्तों, एक फॉरनर ग्रुप है कि बहुत सारी
अफ्रीकन कंट्री को यूनाइट करना चाहता है। दूसरा ग्रुप है UFLL, इसी कंट्री का एक ग्रुप है जो कि इस कंट्री को EPR से बचा रहा है। कंट्री में एक आर्म स्टीलर रहता है, नाम जैकल रहता है। बंदा है दोनों ही ग्रुप्स को वेपन सेल करता है, वॉर को और बढ़ा रहा है। गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है दोस्तों, उसे अफ्रीकन कंट्री भेजा गया है स्टीलर जैकल को मारने के लिए। जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो इस कंट्री में विजिट करता है। मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो मलेरिया से इन्फेक्ट हो जाता है एंड उसके सडनली तबीयत खराब होने लगती है, इसी के साथ वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि आपको एक होटल के कमरे पे पाता है, पर जैकल उसके मिशंस के पेपर को चेक कर रहा है। डेयर जो है हमारा वो मलेरिया से इन्फेक्ट हो चुका है तो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। जैकल उसे ये बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारा जो मिशन है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, तो कुछ ही टाइम बाद वो मलेरिया से मर जाएगा। जैकल एक पिस्टल और चाकू रख के उस कमरे से निकल जाता है। कुछ टाइम बाद मार्टी को जब फिर से दोबारा होश आता है, आसपास जो हमारा दो ग्रुप रहता है, रेबल ग्रुप रहता है, वो दोनों में बहुत ही खतरनाक वॉर छिड़ा रहता है। मार्टी जो हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है। UFLL का जो लेफ्टिनेंट रहता है वो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट को सेव करता है। एंड दोस्तों यहाँ से जो मेन स्टोरी स्टार्ट होता है, आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिलने वाले हैं। एंड सच बताओ तो इस गेम को जो स्टोरी लाइन दोस्तों वो नेक्स्ट लेवल का है, आपको जरूर से खेलना चाहिए अगर आप एक अच्छा स्टोरी लाइन वाला गेम खोज रहे हो। तो जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मात्र 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम नाम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया मात्र 12GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। राइट, तो वेल गाइस, जो हमारा फिफ्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है स्लीपिंग डॉग। की बात करें तो एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया यूनाइटेड Want Games के द्वारा एंड बेसिकली इस गेम को पब्लिश किया गया Square Enix के द्वारा। तो गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की स्टोरीलाइन की बात करें 2012 की टाइमलाइन में हांगकांग में, जहां हांगकांग पुलिस डिपार्टमेंट वर्ल्ड की सबसे बड़ी माफिया गैंग तनो ई को करना चाहती है। ई गैंग रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। गैंग को बंद करने के लिए वेश है, एक अंडरकवर पुलिस कॉप है, अमेरिका में भी काफी सारे गैंग को बर्स्ट कर चुका है, हमारा हांगकांग बुलाया जाता है। जरूरी बात की वे की मदर एंड वे की सिस्टर की मौत इन्हीं गैंग की वजह से हुई थी। हांगकांग पुलिस क्या करती है, एक फेक ड्रग डील को ऑर्गेनाइज करती है। डील के मेंबर्स के साथ वे को भी जेल में डाल दिया जाता है, तो वहां पर उसे बचपन का दोस्त जे की माँ से भेंट होता है। तो वेल गाइस यहां से जो है कि अब मेन स्टोरी स्टार्ट होता है एंड यहां पर वे धीरे धीरे करके इन सभी गैंग मेंबर्स को यहां पर खत्म करता है। इनकी ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी हाई ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। ओपन वर्ल्ड है, यहां पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू देखने को मिल जाता है। इस गेम में जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहां पर मैं रिवील कर देना चाहता हूं। रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 15GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन कर रहा है कवर कॉप बन नहीं आ जाए, फन के जाओ और इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ गेम के ऊपर। जो हमारा सिक्स्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है GTA 4। GTA 4 की बात करें तो GTA 4 2008 का काफी पॉपुलर एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम रह चुका है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। एंड दोस्तों ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो वो हर एक चीज मिलेगा जो कि आप एक गेम में खोजना चाहते हो। इस गेम में आपको ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, स्टोरी लाइन देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाएगा। मैप की बात करें तो काफी बड़ा यहां पर आपको मैप देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। और स्पेस की बात करें तो 15GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। कमेंट करें इस गेम को प्ले करने का, तो खुद फन के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेवंथ गेम के ऊपर। सेवंथ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है टॉम राइडर 2013। एंड दोस्तों टॉम राइडर 2013 की बात करें तो 2013 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। इसे डेवलप किया गया क्रिस्टल डायनेमिक के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया स्क्वायर यूनिक्स के द्वारा। ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। उनकी बात करें, स्टोरी स्टार्ट होती है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट से जिसका नाम लारा रहता है, जो कि सिर्फ 21 साल की रहती है। अपनी पढ़ाई कंप्लीट होते ही आर्कियोलॉजिस्ट करियर को स्टार्ट करना चाहती है। ग्रुप के साथ एक एक्सपेडिशन ज्वाइन करती है, एक लॉस्ट किंगडम यामाताई के तलाश में ये लोग निकलते हैं। लॉस्ट किंगडम को ढूंढने के लिए इन्हें जापान के ड्रैगन ट्रायंगल से क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पर काफी सारे जो शिप है वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुके हैं। वजूद भी लारा अपने ग्रुप को एग्री कर लेती है वहाँ पर जाने के लिए। ड्रैगन ट्रायंगल पहुँचते ही इनका शिप रहता है एक तूफान में फंस जाता है और दो हिस्सों में टूट जाता है। लारा बाकी साथियों से अलग हो जाती है। लारा को स्ट्रेंज आदमी किडनैप करके अपनी गुफा में ले
ले जाता है। लारा वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। जितने भी ग्रुप मेंबर रहते हैं उन्हें ढूंढने में आगे बढ़ती है। इसमें लारा अपनी बेस्ट फ्रेंड सैम के पास पहुंच जाती है। सैम के साथ आइलैंड का एक अननोन आदमी रहता है जो कि वो भी वहां पर फंस चुका था। यहां से दोस्तों मेन स्टोरी स्टार्ट होता है। वाइल्ड कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों यहां पर आपको काफी अमेजिंग मिशन देखने को मिलने वाले हैं। एंड इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ओपी है दोस्तों, आपको जरूर से पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक इस गेम को खेला नहीं दोस्तों प्लीज एक बार जरूर से इस गेम को प्ले करना। तो वेल गाइस, सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 नीड है। प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात तो मात्र 15GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के। जरिस वाला गेम खेलना चाहते हैं तो वेल गाइस खुद फन के जाओ इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 8th गेम के ऊपर। हमारा 8th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है व्हीलमैन। तो व्हीलमैन की बात करें तो एक 2009 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया टाइगर स्टूडियो के द्वारा एंड बेसिकली इसे पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। ये आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो बेसिकली आपका मेन मोड रहता है ड्राइविंग, बट यहाँ पर जब आप मिशंस कंप्लीट करोगे तो जो आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। एंड इस गेम में आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाएंगे एंड इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी भी काफी हाई देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप्स के व्हीकल देखने को मिलेंगे। इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ओपी देखने को मिल जाता है। गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 नीड है। प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें 20GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। जो हमारा 9th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है Assassin's Creed 1। जी हाँ दोस्तों, Assassin's Creed 1 की बात करें तो 2007 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। इसे डेवलप एंड पब्लिश किया है यूबीसॉफ्ट के द्वारा। सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की स्टोरी लाइन की बात करें तो वेल गाइस स्टोरी स्टार्ट होती है 2012 के टाइम लाइन। यहाँ कुछ लोग यूएसए न्यूयॉर्क के एक आम बारटेंडर डेजमन माइल को किडनैप कर उसे को इंडस्ट्री में ले जाते हैं। तो डेजमन माइल के पिता विलियम माइल्स एक असैसिन रहते हैं। यहाँ पर एब्स्ट्रगो इंडस्ट्री के दो साइंटिस्ट वॉरेन विडिक एंड लूसी डेजमन को एक मशीन में रखते हैं जिसे हम एनिमल्स कहते हैं। डिवाइस लोगों के डीएनए को सेंसर मेमोरी को डिकोड करती है, उन्हें रियलिटी में दिखा सकता है। डेजमन यहाँ पर अपने 12वीं सदी के गैंगस्टर असैसिन अल्तैयर अबिन हद के मेमोरीज को रिवील करता है कि थर्ड क्रूसेड की टाइम की यादें हैं। अल्तैयर को एक मिशन दिया जाता है जहाँ उसे एक आर्टिफैक्ट प्लान रोबोट सेबल से चुराना पड़ता है। यहाँ पर अल्तैयर अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपने असैसिन ब्रदर्स की बात को नहीं मानता, 3 असैसिन नियम तोड़ देता है। ये आर्टिफैक्ट लाने में भी नाकाम हो जाता है। इनका एक असैसिन ब्रदर ये आर्टिफैक्ट ले आता है, पीस ऑफ ईडन बोलते हैं। यही असैसिन का एक ग्रैंड मास्टर रहता है अल मुलालिम को सीनियर मेंबर से बिगिनर मेंबर को डिमोट कर देता है। तो ये बोलता है कि उसे अपनी इज्जत और पोजीशन लाने के लिए बुरे टेम्पलार्स को मारना पड़ेगा, कमीशन देता है। यहाँ पर अल्तैयर अब उन 9 बुरे टेम्पलार्स को मारने के लिए निकल जाता है। एंड वेल गाइस यहाँ से जो मेन स्टोरी स्टार्ट होता है मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिलेंगे। एंड व्हाइल कंप्लीटिंग मिशन यहाँ पर आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा ग्राफिक क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाएगा। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 10GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अब मन कर रहा है असैसिन बनने का तो खुद फन के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। 10th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है जस्ट कॉज 2। एंड दोस्तों जस्ट कॉज 2 की बात करें तो 2010 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। इसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया स्क्वायर यूनिक्स के द्वारा एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो वेल गाइस इस गेम में आप एक रॉ एजेंट रहते हैं जहां पर आपको काफी इंटरेस्टिंग टास्क दिए जाते हैं। कंप्लीटिंग टास्क या मिशन बोला जाए, आपको काफी अच्छा स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाला है। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का है दोस्तों। कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों यहां पर जो आपका जो मैप है वहां पर आप इधर उधर भटक फटक सकते हो, मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो। तो काफी अच्छा गेम है। अभी तक आपने इस गेम को ट्राई नहीं किया तो जरूर से इस गेम को एक बार ट्राई करना। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। प्रोसेसर की बात करें मिनिमम डुअल कोर होना चाहिए। स्पेस की बात करें 15GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 11th गेम के ऊपर। 11th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है एलेनोरी। एंड सो एलेनोरी की बात करें 2011 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। एंड वेल गाइस गेम की बात करें तो गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी सही तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें, गेम का मेन स्टोरी है वो लॉस एंजलिस पे बेस्ड है 1947 में। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है हाल ही में वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्फ्लिक्ट
नेटफ्लिक्स से लौटा है। फाइनली अब वो अपनी लाइफ स्ट्रीट कॉप की जॉब को कर रहा है। छोटी मिशंस करने के बाद एक मर्डर केस पे इन्वॉल्व होता है। एक स्ट्रीट कॉप होने के बावजूद भी वो एक क्लू के जरिए अपराधी को पकड़ लेता है। इसे एम्प्रेस के LAPD के अधिकारी बंद करने का मौका देते हैं। दोस्तों उसका एक इंटरव्यू होने के बाद उसका प्रमोशन डिटेक्टिव पे हो जाता है। पर दोस्तों मेन स्टोरी स्टार्ट होता है, वो अपने एक साथी के साथ रोड बेस्ड जितने भी क्राइम रहते हैं उसे वो सॉल्व करता है। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन प्लस मिशन देखने को मिलने वाले। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप एक डिटेक्टिव वाला गेम खेलना चाहते हैं तो भैया LA Noire सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 512 भी नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 16 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। बढ़ते हैं हमारे 12th गेम के ऊपर। हमारा 12th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है Max Payne 3। एंड दोस्तों Max Payne 3 की बात करें तो Max Payne 3 2012 का थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। एंड बल्कि ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें स्टार्ट होती है मैक्स पेन 2 के स्टोरी के 9 साल के बाद, पर मैक्स ने NYPD या पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ दिया है। यहाँ पर मैक्स अब एक बार पे ड्रिंक कर रहा होता है, पर एक राहुल पासो नाम का एक बंदा उसे मिलता है। मैक्स को बताता है कि वो उसके पुलिस एकेडमी में साथ काम करता था, पर राहुल एक ब्राजील बिजनेसमैन का बॉडीगार्ड का जॉब ऑफर करता है। मैक्स की स्किल लड़ने के बारे में सब कुछ पता था, मैक्स इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर उस बार पे एक बंदा आता है जो कि मैक्स से लड़ते रहता है। वो क्या करता है, मैक्स के ऊपर ट्रिगर करके गन तान देता है, अपने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उस बंदे को शूट कर देता है। उसको पता चलता है कि जिस बंदे को उसने शूट किया वो एंथनी डिमार्को का बेटा है जो कि छोटे मोटी गैंग को लीड करता है। एंथनी मैक्स के ऊपर करोड़ों का बिट कर देता है कि जो भी इस मैक्स को मारेगा उसे करोड़ों रुपए मिलेंगे। जितनी भी गैंग मैक्स को मारने आती है वो भैया अपने ही ऊपर चले जाते हैं। पर मैक्स अपना रास्ता क्लियर करने के बाद राहुल का जो ऑफर रहता है बॉडीगार्ड बनने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। पर राहुल एंड मैक्स ब्राजील जाते हैं एंड बैंकॉक फैमिली के लिए वो काम करते हैं। एंड बल्कि यहाँ से जो मेन स्टोरी स्टार्ट होता है, टीम को खेलोगे तो इस गेम में वो काफी इंटरेस्टिंग मिशन देखने को मिलने वाले हैं। इनका जो ग्राफिक्स क्वालिटी है दोस्तों वो भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 भी नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 85 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 13th गेम के ऊपर। 13th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है नीड फॉर स्पीड कार्बन। एंड दोस्तों नीड फॉर स्पीड कार्बन की बात करें 2006 का ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया ये ब्लैक बॉक्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो ऐसा गेम खोज रहे हो जो ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में बेस हो तो भैया नीड फॉर स्पीड कार्बन सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है, क्योंकि इस गेम में आपको काफी सारे मिशंस देखने को मिलने वाला है। एंड वाइल कंप्लीटिंग मिशंस दोस्तों यहां पर आपको जो एनवायरनमेंट देखने को मिलने वाला है वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलने वाला है। एंड इस गेम में आपको काफी सारे सुपर कार चलाने का मौका मिलेगा, काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है। गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 9 GB के आसपास स्पेस खाली लगना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वेल गाइस अगर आपका मन कर रहा है चलो यार थोड़ा रेसिंग वेसिंग कर लिया जाए तो कूद फांद के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। जो हमारा 14th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है स्नाइपर लाइट 3। एंड वेल गाइस स्नाइपर लाइट 3 की बात करें तो 2014 का एक थर्ड पर्सन शूटिंग टैक्टिकल शूटर स्टेल्थ वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है डेवलपमेंट के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो आप एक स्नाइपर के दाल निभाते हो, यहां पर आपको अलग अलग टास्क दी जाते हैं। वाइल कंप्लीटिंग टास्क जब आप अपने एनिमी को शूट करते हो तो यहाँ पर आपको एक स्नाइपर दिया जाता है, तो उस स्नाइपर से आपको अपने एनिमी के बेस को डिस्ट्रॉय करना रहता है। एंड सच बताऊं दोस्तों तो इसका जो स्लोमो रहता है वो मेरे को काफी पसंद आता है। गेम में आपको काफी अच्छा स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाला है। वाइल कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों का यहाँ पर एक्सपीरियंस होने वाला है। ग्राफिक्स क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का है। अगर आप एक स्नाइपर वाला गेम खोज रहे हैं तो भैया स्नाइपर लाइट 3 सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। तो प्रोसेसर की बात करें इंटेल पेंटियम डी में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 15 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन करा चलो यार थोड़ा वाइपिंग कर लिया जाए तो कूद फंद खिंचाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 15th गेम के ऊपर। हमारा 15th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है सैंथ्रो 2। बात करें 2008 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया वेल एशियन के द्वारा, इसे पब्लिश किया गया THQ के द्वारा। तो वेल गाइस सैंथ्रो 1 का एक सीक्वेंस गेम है जो कि 2006 को रिलीज किया गया था।
सैंथ्रो 2 की बात करें तो ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। इनको आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो एंड सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो। इसलिए गेम में आप वो हर एक चीज कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो। गेम में आपको काफी सारे मिशन देखने को मिलेंगे एंड इस गेम का सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इस गेम में आपको काफी अच्छा स्टोरी लाइन देखने को मिल जाता है। कंप्लीटिंग मिशन या आप एक मिशन कंप्लीट करने के बाद ही पूरे सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड सच बताऊं दोस्तों इस गेम का मैप काफी बड़ा है। जैसे कि बात करें तो इस गेम में आपको अच्छा खासा ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है। तो यार इस गेम को जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मिनिमम 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो 12 कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 10GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 16th गेम के ऊपर। हमारा 16th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है डेड स्पेस 2। 11 का एक सर्वाइवल हॉरर वीडियो गेम है जो डेवलप एंड पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। एंड इस गेम को भी आप अपने सभी प्लेटफॉर्म में काफी आसान तरीके से खेल सकते हो। गेम की स्टोरी लाइन की बात करें, गेम स्टार्ट होता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट से। जो हमारा प्लेयर रहता है वो एक स्पेस स्टेशन में आता है जिसका नाम स्प्रॉल है। प्लेनेट की एक टाइटन मून पे बना हुआ रहता है। वो स्पेस स्टेशन ब्रेकिंग ऑपरेशन पहले ही से हो चुका रहता है। जो हमारा मेन प्लेयर रहता है उसकी 3 साल की जो याददाश्त है वो पहले ही से गोल है। उसे कुछ भी नहीं पता है क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो स्पेस सेंटर पे लैंड करता है तो वहाँ पर एक अलग अलग टाइप के एलियंस उसके ऊपर अटैक करने रहते हैं। यही जो मेन स्टोरी लाइन है यहाँ पर आपको उन एलियंस को यहाँ पर डिफीट करना रहता है एंड आगे का मिशन को कंप्लीट करना रहता है। वाइल कंप्लीटिंग मिशन यहाँ पर काफी सारे चैलेंजिंग मिशन देखने को मिलेंगे। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 10GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है एलियन को थोड़ा मारू लेने का तो कूद फंद के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 17th गेम के ऊपर। यहां पर जो हमारा 17th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है माफिया। एंड दोस्तों माफिया सीरीज का सबसे पहला गेम निकल के आता है। 2002 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। डेवलप किया गया ल्यूसन सॉफ्टवेयर के द्वारा। ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। इनकी बात करें तो भैया गेम में आप एक माफिया का किरदार निभाते हो जहां पर आपको काफी अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। एंड यहां पर आपको आपके जो एनिमी माफिया रहते हैं उसे यहाँ पर आपको डिफीट करना रहता है। तो यार वाइल कंप्लीटिंग मिशन आपको काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाला है। गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है। वाइल कंप्लीटिंग मिशन यहाँ पर आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, इधर उधर भटक फिटक सकते हो, कार चला सकते हो, मैंने वो हर एक चीज कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 7GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं 18th गेम के ऊपर। 18th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है एस कॉम्बैक्ट असॉल्ट होराइजन। जी हाँ दोस्तों, एस कॉम्बैक्ट असॉल्ट होराइजन की बात करें, इंस्टॉलमेंट ऑफ एस कॉम्बैक्ट फाइट का सिमुलेशन वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है एंड ई एंटरटेनमेंट के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें आपको जो वॉर सिमुलेटर होता है दोस्तों वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको अपने एनिमी को डिफीट करना रहता है। एंड वाइल कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों काफी आपको मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको फाइटर जेट चलाने का मौका मिलेगा, हेलीकॉप्टर्स चलाने का मौका मिलेगा। अगर आप एक मिलिट्री वाला गेम खेलना चाहते हैं तो भैया एस कॉम्बैक्ट असॉल्ट होराइजन सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ओपी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 नीड है। प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 10GB के आसपास इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका भी मन कर एक बार फाइटर जेट चला लिया जाए तो भैया खुद फन के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 19th गेम के ऊपर। 19th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है बर्नआउट पैराडाइज। एंड दोस्तों बर्नआउट पैराडाइज की बात करें 2008 का एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया क्राइटेरियन गेम्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी दोस्तों आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें, गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है दोस्तों। मैप में आप यहाँ पर रेसिंग करते हो, रेसिंग यहाँ पर आप अलग अलग सिटी या कंट्री पे यहाँ पर आप रेस करोगे तो यहाँ पर जो आपको एनवायरमेंट देखने को मिलेगा वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ओपी, यहाँ पर आपको काफी स्पोर्टी टाइप के कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो मात्र 2GB
भी होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो 512 में नीड है। प्रोसेसर की बात करें पेंटियम 4 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें 7 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को प्ले करने के लिए। तो अगर आपका भी मन कर रहा है इस गेम को प्ले करने का तो खुद फन के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइज, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 20th गेम के ऊपर। 20th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है कॉल ऑफ ज्यूरियस गन स्लिंगर। कॉल ऑफ ज्यूरियस गन स्लिंगर की बात करें 2013 का एक पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है एंड गेम्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें, इस गेम में आपको काउबॉय वाला पूरा फीलिंग आने वाला है। जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो एक काउबॉय रहता है एंड आपको वहां पर मिशंस दिए जाते हैं, अपने एनिमी को डिफीट करना रहता है। यहां पर आपको एक पिस्टल दिया जाता है, उसी से आपको सभी एनिमी को यहां पर मारना पड़ता है। वेल गाइस, काफी ओपी एक्सपीरियंस आने वाला है। गेम में आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाते हैं। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो गेम में आपको अच्छा खासा ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 5 GB के आसपास स्पेस खाली हो रहा है इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है इस गेम को खेल लेने का, वेल गाइस किस लिए रुके, खुद फन के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल करो। ये कुछ टॉप 20 गेम थे आपके 2 GB रैम वाले पीसी या लैपटॉप के लिए। आई होप दोस्तों ये गेम आपको जरूर पसंद आए होंगे एंड इनमें से आप कौन सा गेम खेलने वाले नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना। तब तक के लिए मैं मिलता हूं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक जय हिंद।